अरे वाह, आज पूरा लंच फिनिश कर दिया, ताज्जुब है। हाँ मम्मा, मैंने तो सारा खाना खा लिया। अरे आंटी कहाँ, आधा खाना तो हमें खाना पड़ता है, अब पता नहीं कौन बनाता है और आधा फेंकना पड़ता है। फस गए। हम लोग 6 बजे उठ के लंच बनाते हैं और आप लोग फेंक देते हैं। आपके बच्चे भी ऐसा करते होंगे। तो लेकर आई हूँ मैं ऐसे मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स रेसिपीज, जिससे बच्चों के मुंह में तो पानी आ जाएगा। तो आपके 50,000 लाइक से शुरुआत करते हैं मंडे के लंच बॉक्स से। मंडे की शुरुआत करते हैं एनर्जेटिक लंच के साथ। इसके लिए ले 1 कटोरी आटा, 3 चम्मच बेसन। अब डाले बारीक कटी हुई प्याज, कसा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुछ धनिया के पत्ते, नमक स्वाद के अनुसार, और ये डाला मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा तेल, और इन सब को मिला के इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लें। आटा यहाँ लग गया है तो इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और अब इसे जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसकी तरह बेल लेंगे। पराठे को बच्चों की मनपसंद आकार का बेल लें। मेरी बेटी को स्क्वायर शेप पसंद है तो मैंने उसके लिए स्क्वायर पराठा बना लिया है। और अब इसे गरम गरम तवे में डालकर दोनों तरफ से घी से सेक लें। इसे थोड़ा करारा ही रखें तो इसका स्वाद और भी मजेदार होगा। तो यहाँ ये तैयार है और इसे मैं पैक करूंगी कुछ फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाना लिया है, और स्वीट डिश में केक के साथ। बच्चों को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है। अगर आप बच्चों को थोड़ी सी भी वैरायटी दोगे ना तो बच्चे लंच अपना जरूर फिनिश करके आएंगे। अब आते हैं ट्यूसडे में, जहाँ पे हम बनाएंगे दही के सैंडविच। यहाँ पे मैंने लिए है हैंग कर्ड। हैंग कर्ड बनाने के लिए दही को आप किसी भी मसलिन या कॉटन क्लॉथ में डालकर इस तरीके से टांग दें। और अब इसमें डालें बारीक कटी हुई सब्जियाँ। यहाँ पे मैंने डाला है प्याज, टमाटर, खीरा और धनिया पत्ते। आप चाहे तो अपनी पसंद की जैसे कॉर्न्स या शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालें काली मिर्च, नमक और आपस में मिला लें। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला है, ये ऑप्शनल है। अब लें ब्रेड की 2 स्लाइस और उसमें लगा दें बटर। इसके बाद मिक्सचर को अच्छे से ब्रेड में इवनली स्प्रेड कर दें। दूसरी ब्रेड की स्लाइस से इसे कवर कर दें और अब इसे दोनों तरफ से सेक लें, जैसे आप किसी भी सैंडविच को सेकते हैं। दोनों तरफ से सेकने के बाद इन्हें बाहर निकाल कर इसकी स्लाइसेस कर लें। और इन दही सैंडविच को मैंने सर्व किया है कुछ मखाने और 5-स्टार चॉकलेट के साथ। अब आगे है वेडनेसडे, मिडल ऑफ द वीक, तो कुछ बनाते हैं फिलिंग सा। इसके लिए हम बनाएंगे पनीर रैप। एक कढ़ाई लें, उसमें 1 से 1.5 बड़े चम्मच घी डाल दें। जैसे घी गर्म हो जाए इसमें डालें जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगे इसमें डालें हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लें। जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाए उसमें डालें 1 से 2 चम्मच पिज्जा सॉस। इसको मिला लें। अब डालें इसमें लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, उसको हल्का सा पका लें। इसके बाद इसमें डालें पनीर के क्यूब्स। पनीर को भी मसाले के साथ अच्छे से मिलाकर पकने दें। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि ये पक गया। और अब मैंने लिया है ये टॉर्टिलास। आप चाहे तो रोटी या पराठा भी ले सकते हैं। इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। इसके एक तरफ स्प्रेड करें मेयोनीज को। बस अब स्प्रेड कर दें इसके ऊपर पनीर की एक लेयर। थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए डाल दें लंबा कटा हुआ प्याज और बस इसे अब फोल्ड कर दें। और इसे लंच में पैक किया है मैंने कुछ खीरे और बिस्किट के साथ। थर्सडे के लंच के लिए हम बनाएंगे हेल्दी मूंग दाल चीला। इसके लिए मूंग दाल को ओवरनाइट सोक कर लें। ओवरनाइट सोक करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लें और इस तरीके का पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में डालें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और इन सबको आपस में मिला लें। अब एक तवा लें, उसमें तेल डालकर तेल को गर्म होने दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें तैयार किया गया मूंग दाल का बैटर फैला लें और इसे नीचे से सिकने दें। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि ये नीचे से सिक गया है, तो इसे दूसरी साइड पलट दें और दूसरी साइड भी सिकने दें।
दोनों तरफ से सिकने के बाद तैयार है मूंग दाल का चीला। इसमें मैंने पनीर और अनार की स्टफिंग भरी है। आप चाहे तो इसे प्लेन भी दे सकते हैं। और फ्राइडे के लिए हम बनाएंगे सूजी का उत्पम। इसके लिए ले एक कटोरी सूजी, आधी कटोरी दही और अब इसमें पानी डालकर इन्हें भी आपस में मिला लें। और अब इसमें नमक डालकर मिला लें और 5 मिनट ढककर रख दें, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी यहाँ अच्छे से फूल गई है और अब इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, गाजर, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया। इन सबको आपस में मिला लेंगे और अब पानी डालकर इसके बैटर को फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बना लेंगे। बैटर यहाँ तैयार है तो एक तवे में तेल डालकर तेल को गर्म होने दें और गर्म होते ही इसमें डाल दें 1 चम्मच बैटर की। उसे अच्छे से फैला लें और सिकने दें। मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट में ये सिक जाए तो इसे पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लें। और दोनों तरफ सिकने के बाद हमारा सूजी का उत्पम बनके तैयार है। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा लंच बॉक्स बेस्ट लगा। मेरे को आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।